हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होता है और रिएक्शन कैसे होता है, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सब करते हैं। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है कंबिनेशन रिएक्शन। पहले तो हम चैप्टर थ्री चैप्टर फोर में डिस्कशन करेंगे टोटल कि रिएक्शन कैसे होता है, एटम और एलिमेंट को लेके प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। नाइन्थ क्लास में हम डिस्कशन किए थे, देखो चैप्टर थ्री में फोर में है, आप देखो नाइन्थ क्लास का बुक में, वहीं ये रिएक्शन है, लेकिन उसको डिटेल अब डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में लिया गया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट फॉर्म है उसको लिया गया है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। स्लोली एड वाटर टू दिस एक बिकर में कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं, उसको बिकर में लिया गया है। उसके बाद उसमें वाटर, सम वाटर उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, उसमें क्या रिएक्शन रहता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नीचे करेंगे। देखो ऐड करने से क्या होगा, एक एक उसके बाद देखो उनको जो ऐड करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को आपको वहाँ पर आपको छूना पड़ेगा, उसको उस बिकर को आपको क्या फीलिंग आएगा वहाँ पे, आप एक चेंज टेम्परेचर, सम टेम्परेचर देखोगे, वहाँ से जो बिकर है उसका सम टेम्परेचर हुआ है, सम उसका हीट आया है, उसमें थोड़ा सा हीट लगेगा आपको, तो उसको वो फील कर रहे हैं आपको जो हीट आया है उसको हम केमिकल देखे करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो केमिकल रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड जो हम वाटर में ऐड करेंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड पर और सॉलिड फॉर्म में था उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसका जो फॉर्मेशन होगा, जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइम बोलते हैं, हम बोलते हैं स्लेट लाइम। और हीट आएगा, हीट एवोल्व होगा, उसको हम फीलिंग कर पाएंगे जो हीट एबल होगा। वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, उसको हम कैसे जो रिप्रेजेंट करेंगे बैलेंस केमिकल क्वेश्चन में, तो वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। वो इक्वेशन आपको ऐड करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या हुआ, देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लाइक लाइम रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। एक हीट को वहाँ रिलीज किया जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट हुआ वाटर में। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। देखो मैं बोला था कॉम्बिनेशन क्या है, दो रिएक्शन और दो सिंगल प्रोडक्ट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, और दो रिएक्टेंट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया, उसको कम्बाइन रिएक्शन बोलते हैं। कम्बाइन होके दो रिएक्टेंट कम्बाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, इसलिए उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एग्जाम में आएगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो वो बोलेगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन क्या है, एग्जाम्पल के साथ आपको देना पड़ेगा कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन तो वो लिखना पड़ेगा, द रिएक्शन व्हेन टू मोर रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन होगा इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उसको कॉम्बिनेशन डेफिनेशन बोलते हैं। और सिंपल डेफिनेशन बोला जाए तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर ऐड करेंगे वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, भीजा हुआ चूना, और वो उसको बोलते हैं भीजा हुआ चूना जो हम यूज करते हैं, हम घर में यूज करते हैं चूना, चूना पत्थर जो यूज करते हैं, चूना स्लेक लाइन यूज करते हैं, सीमेंट में यूज करते हैं, जो हमारा न्यू हाउस जो होता है उसमें यूज करते हैं, वो प्लेन करता है, उसके बाद जो व्हाइट का लेयर होता है उसको स्लेक लाइम बोलते हैं। उसके सेकेंड रिएक्शन हम देखेंगे अभी, वो तो कॉम्बिनेशन खत्म हुआ। वो देखो और एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल बर्निंग करते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कोल मीन्स कार्बन को जब बर्निंग करेंगे तो एयर प्रेजेंस में वो बर्निंग होगा, तो कार्बन जब बर्निंग होता है वो क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हो जो कोयला को बर्निंग करते हैं तो कोयला जो उसका जो एयर आता है उसमें तो धुआं निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और बर्निंग ऑफ कोल उसको बोलते हैं। तो वो वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वहाँ पे था स्लेक लाइम का एग्जाम्पल, वहाँ पे है दो एग्जाम्पल हुआ और एक तीन एग्जाम्पल है। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करेंगे तो वाटर फॉर्मेशन होगा।
वो भी एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट ऐड होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एक्टिविटी 1.4 में देखे थे, देखो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड के इम्पोर्टेंट यूजनेस है, तो मैं वो बोला था सी यूज होता है, घर में यूज होता है। देखो एक सॉल्यूशन ऑफ फ्लेक लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 यूज फॉर द व्हाइट वाशिंग वॉल। हम जब वॉल में जब घर में न्यू कलर करते हैं घर को, उसमें पहले कलर करने के पहले उसको व्हाइट वॉशिंग करते हैं। व्हाइट का एक लेप उसके ऊपर जो हम लिए थे, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोई स्लेक लाइन। वो लाइन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस में वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इट फॉर्म आफ्टर 2-3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिशिंग टू द, जो वॉल को फिनिशिंग करते हैं प्लेन करता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उसके ऊपर हम लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस में वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, वो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो फाइन सीलिंग करता है, वॉल को फिनिशिंग करता है। इट इज इंटरेस्ट टू नो दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मार्बल हम होता है, हम देखते हैं जो न्यू घर में हम एक सीमेंट का लेयर करते हैं, तो 1-2 दिन के बाद वो प्लेन हो जाता है, मार्बल के जैसा हो जाता है, पूरा प्लेन होता है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। याद रखो इम्पोर्टेंट टर्म हम आप तो यूज करते हो। वहां पे देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन प्लस 2O2, ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में दे गया है। तो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, टू वाटर, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देखो रिएक्शन हुई हीट इज रिलीज एलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होता है, उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हीट रिलीज होता है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और हीट एवॉल्व होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो डिफरेंस है एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में। देखो इन ए सिंपल लैंग्वेज वी कैन दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ये परफेक्ट डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एग्जाम में आएगा कॉम्बिनेशन क्या है विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आपको डेफिनेशन लिखा है, अब लिखना है डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल देना है। वो जो 4 एग्जाम्पल में उसमें 2 एग्जाम्पल आपको देना है, दो दो मार्क का वो क्वेश्चन आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वहाँ पे भी है ग्लूकोज का रिएक्शन है, ग्लूकोज प्लस जब आएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। यो भी जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी का, वो वन टाइप ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ पे। देखो द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट जो ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल दिए। सेकेंड हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। देखो एक एक्टिविटी है वहाँ पे, देखो टेकिंग अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक खाली बॉइलिंग ट्यूब, एक ट्यूब है जो खाली है, उसमें फेरस सल्फेट हम लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो कलर था पहले, जो कलर था एक्सपेरिमेंट के पहले उसको आप नोट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हीट करना पड़ेगा आपको, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प और सोलन फिगर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद जो फेरस सल्फेट का कलर था वो चेंज हो जाएगा। उसको हम देखो सिंपली रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन में देखेंगे तो क्या होगा, देखो फेरस सल्फेट जब हम हीट करेंगे फेरस सल्फेट को, वो फेरिक ऑक्साइड में फॉर्म हो जाएगा और SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड का एक गैस फॉर्म उसमें एवॉल्व होगा, रिलीज होगा। तो जो हुआ हीटिंग ऑफ बॉइलिंग टू कंटेंट ऑफ क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ऑर्डर, जो वो जो ऑर्डर जो आएगा और जो स्मेल आएगा उसको आपको स्मेल करना है कैसे आता है। देखो अब जो हमें एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या हुआ हमें देखेंगे। देखो इन द रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव ए सिंपलर प्रोडक्ट, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होता है माने होता है मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होके सिंपलर टू और मोर प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, उसको डिकम्पोज रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट सिंगल प्रोडक्ट था, उसको डिकम्पोज हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करके ब्रेक डाउन करके 3 प्रोडक्ट में फॉर्म किया, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, इट इज देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। मैं बोला था गैसेस वो जो एनर्जी गैस रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
डिकम्पोज होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइमस्टोन है उसको जब हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में जो बोला था मार्बल जो है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, हम कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है डिकम्पोजन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखे थे, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो दो रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है डिकम्पोजन रिएक्शन, आपको याद रखना भी नहीं पड़ेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट को आप याद करो और समझो समझो, यहाँ पे आपको इजी होगा एग्जाम के लिए। देखो डिकम्पोजन रिएक्शन एग्जाम्पल, सेकेंड हम देखेंगे, देखो यहाँ पे डिकम्पोजन रिएक्शन हो गया, उसके बाद सब डिकम्पोजन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है। देखो टू एच जी सी एल सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में एच जी प्लस सी एल टू में कन्वर्ट हुआ, डिकम्पोज हुआ। देखो यहाँ पे सोल्यूशन है, यहाँ सोल्यूशन को आपको एक न्यू क्लास में डिस्कशन करेंगे, कोई आपका डाउट होगा तो एनसीईआरटी जो सोल्यूशन है उसको हम डिस्कशन करेंगे, और एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, किसी को जरूरत है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको दे दूंगा इम्पोर्टेंट आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, क्या आगे इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आएगा और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मेन चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आम मैं बोले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आने का चांस है 90%। उसके बाद देखो थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, देखो यह एक्टिविटी आपको देखना है, आयरन नेल्स डीप इन टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल जो आयरन नेल को आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आपको डीप करना है, बुढ़ाना है उसको, डीप करने के बाद क्या सॉल्यूशन उसका फॉर्म होता है, रिजल्ट क्या आता है हम यहाँ पे देखेंगे। देखो जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो उसमें आयरन का सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर जो है कॉपर मेटल वो डिस्प्लेस हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों, एक मेटल को डिस्प्लेस किया, एक बार डिस्प्लेस किया, देखो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी, एक कॉपर है उसमें देखो कॉपर डिस्प्लेस हुआ सल्फर सल्फेट से, कॉपर डिस्प्लेस हो गया तो एक बार डिस्प्लेस में उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से देखो एग्जाम्पल है सब जिंक प्लस जिंक कॉपर सल्फेट, तो हाईली मेटल होता है कॉपर से जिंक, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सब देखो यहाँ पे कॉपर से सब हाईली रिएक्टिव मेटल हो गए, जिंक लेड इसीलिए वो डिस्प्लेस करता है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इस कंपाउंड, इसलिए वो डिस्प्लेस करता है, हाईली रिएक्टिव है तो इजीली सल्फेट से रिएक्ट करता है कॉपर से वो हाईली रिएक्टिव है इसलिए वो डिस्प्लेस कर देता है, जो कंपाउंड कॉपर का जो कंपाउंड है उससे डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेस रिएक्शन क्या है, वो दो बार डिस्प्लेस होता है एलिमेंट। देखो दिस इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जो हम रिएक्शन करेंगे वो प्रेसिपिटेशन क्या है, जो प्रोडक्ट वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, वो नीचे रह जाता है प्रेसिपिटेट के तरफ से, उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। देखो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट होकर बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, तो देखो दो बार वो डिस्प्लेस हुआ Na2SO4, Na2SO4 वहाँ पे बेरियम से डिस्प्लेस होके सोडियम को छोड़ के यहाँ पे आके रिएक्ट हुआ, इस तरफ से क्लोरीन यहाँ पे रिएक्ट हुआ, दो बार डिस्प्लेस हुआ, देखो प्लस दो बार डिस्प्लेस हुआ है इसलिए उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखो द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बी एस टू इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO2 SO4 2- एंड Ba2+, द अदर प्रोडक्ट इज फ्रॉम सोडियम क्लोराइड व्हिच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, सच रिएक्शन इन व्हिच देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखो एक अच्छा सा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सिंपल कंसेप्ट है डेफिनेशन का, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। एक एग्जाम्पल है वहाँ पे देखो सल्फर ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड, व्हाई हैज द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, और ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन है एडेड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एडेड ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू टाइप ऑफ रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन
फर्स्ट डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सिमिलरली ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन और ऐड ऑफ हाइड्रोजन ऑफ इज रिडक्शन। देखो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं वन टाइप ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस तरह इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द लिटिल मेटल द ब्लैक ऑक्सीडेशन सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एज कॉपर इज ऑब्टेन। यहाँ पे देखो जब हम हाइड्रोजन है उसमें कॉपर ऑक्साइड में ऐड करेंगे तो उसमें कॉपर एक बार फॉर्म हो जाएगा, रिवर्स एक बार कॉपर वहां पे डिस्प्लेस हुआ था ऐड होकर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, एक बार कॉपर वहां पे सेपरेट हो गया कॉपर प्लस वाटर फॉर्म हुआ। यहाँ पे देखो जब हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुआ देखो कॉपर रिड्यूस होके कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, देखो कॉपर में रिड्यूस हुआ उसको रिड्यूशन बोलते हैं। इसे हाइड्रोजन ऐड होके ऑक्सीजन H2O फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, वही डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे सब डेफिनेशन है रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीजन रिडक्शन दो रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक रिएक्शन में ऑक्सीजन होता है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन होता है और दूसरा एलिमेंट रिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन। RED मीन्स रिडक्स, रिडक्स रिएक्शन में आता है RED रेड और OX ऑक्सीजन में आता है OX, तो कंबाइन होकर रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। जो ऑक्सीजन रिडक्शन दो रिएक्शन होता है एक रिएक्शन में। यहाँ पे देखो सब हमारा ऑक्सीजन रिडक्शन फिनिश हो गया, वहाँ पे एक लास्ट है अभी ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन इन हम जो एवरीडे लाइफ में, हम जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ये ऑक्सीजन रिएक्शन का बेनिफिट और एप्लीकेशन क्या होता है हमें डे टू डे लाइफ पे। एक एप्लीकेशन है कोरोजन, कोरोजन होता है और रैंसिडिटी होता है, उसको हम जानेंगे हम चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर सीनी व्हेन न्यू बट गेट्स कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट सम फॉर सम टाइम। हम देख आयरन आयरन मटेरियल जब आयरन मटेरियल हम एयर के प्रेजेंस में और बाहर में रख देंगे तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में देख के आए हैं तो वो कोरोजन का एक एप्लीकेशन है, वो कोरोजन उसको जो एसिडिटी हुआ व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स सच एज मॉइस्चर एसिड एसेट्रा इट इज सेड टू कोरो एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जो प्रोसेस में उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है ऑक्साइड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोरोजन, उस प्रोसेस को कोरोजन प्रोसेस बोलते हैं। कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडी ब्रिजेस आयरन रेलिंग सब डैमेज करते हैं, जो आयरन का मटेरियल है उसको डैमेज कर देता है कोरोजन, उसका डिफेक्ट है वो डिमेरिट है डिसएडवांटेज है उसको ऐड करना पड़ेगा। कोरोजन क्या है उसका डिमेरिट क्या है वो डैमेज करता है सब आयरन आयरन इक्विपमेंट को। इस तरह रैंसिडिटी क्या है देखो When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation are added to foods containing fats and oil. Keeping food in airtight containers help to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flux bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? Jab sab equipment jo hum fats or oils hum use karte hain खाने के लिए यूज करते हैं उसको हम रख देंगे तो जो ऑक्सीजन का होता है उसमें एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन उसमें होता है वो क्या खराब हो जाता है, उसमें उनका जो प्रोसेस है उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। उसका चेंज होता है क्या, उसका कलर में चेंज होता है और टेस्ट में चेंज होता है। जो हम देखे थे कि हमारा जो खाना है और फैट है जो है उसमें जब लग वो जब ज़्यादा दिन बा एयर के प्रेजेंस में रख देते हैं वो खराब हो जाता है, उसको जो प्रोसेस को रैंसिड प्रोसेस बोलते हैं, उसका टेस्ट चेंज होता है और ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं जो हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें ऐड कर देते हैं। अब देखते हो चिप्स है, चिप्स का जो पैकेट है उसमें जो एयर आता है वो एयर नाइट्रोजन उसको प्रिवेंट करता है ऑक्सीडाइज होने से जो मेटेरियल को चिप्स को, इसलिए वो जो प्रोसेस है उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी के कारण वो क्या होता है स्मेल चेंज हो जाता है वो खाना वो खराब हो जाता है। वो ये हमारा इतना सी है चैप्टर में वो खत्म हो गया। देखो NCERT क्वेश्चन जब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब डिस्कशन करेंगे वन बाई वन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब डिस्कशन कर दिया। वो देखो हमारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो
वो जो आपको आसानी से, तो मैं बोल वो तो अंडरस्टैंड, तो आपको समझ आएगा, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करो, कमेंट करो, तो हमारा लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। वो तो अगले महीने में आपका बोर्ड का एग्जाम है, हमारा जो 10th क्लास बच्चों का, तो एग्जाम के लिए हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और चैनल चैनल पे नहीं आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, कमेंट करो, लाइक करो, बेल आइकन को ऑन करो, और जो अपडेट आएगा क्लास में आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद, शेयर दिस वीडियो फॉर मोर स्टूडेंट्स, सब बेनिफिट लो वीडियो का। हमारा सीबीएसई लाइन बाय लाइन, और जो आपको वहाँ पे क्लास होता है कोई भी फी नहीं लगता है, उस डायरेक्ट आप फ्री में क्लास करते हो वहाँ पे लाइन बाय लाइन। आप जो ऑफलाइन क्लास में जो भी क्लास करते हो वहाँ पे भी आपका वहाँ क्लास होता है लाइन बाय लाइन, में वहाँ पे बुक से लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता हूँ। इसलिए सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू।